मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? फाइन बेटे, अब लास्ट चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स नोट्स कंप्लीट किए आप लोगों ने? यस। और उसको रीड भी किया था? यस मैम। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 12 From history portion, Muslim scientists, philosophers and travelers. Topic is Muslim scientists, philosophers and travelers. Last chapter में हमने पढ़ा था Islam in Southeast Asia. उससे पहले फिर हमने पढ़ा था Islam start कैसे हुआ, spreading Islam की, फिर उसमें उसके बाद हमने पढ़ा कि Islam बरसगीर तक और Southeast Asia में कैसे आया, वो Muslim traders के through आया. अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट थे, फिलोसफर्स थे और वो जो ट्रेवलर्स थे जिनकी वजह से इस्लाम जो था वो फैला, और उसके बाद उनकी क्या क्या जो उन्होंने जो है इन्वेंशन की, हम इन सबको रीड कर रहे हैं. तो द पीरियड फ्रॉम द 9th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी कैन बी कॉल्ड द जेनिथ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड. वी हैव हिस्टोरिकल अकाउंट्स ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ वेरियस पीपल. There were scientists, mathematicians, philosophers, travelers who left behind records of what they accomplished. We give here a brief history of some of these remarkable individuals. बेटे पेज नंबर 55, चैप्टर नंबर 12, जी 55 बेटे बोर्ड पे देखें, चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 55. अब उन्होंने कहा कि 15वीं सदी तक जो मुसलमानों का दौर था वो एक बहुत ज्यादा तारीखी उनकी अचीवमेंट्स पे बेस था, कि उन्होंने बहुत सारे लोगों ने जो है वो तारीखी जो है कामयाबियां हासिल की. दे वर साइंटिस्ट, वो साइंसदान बने, रियाजीदान थे, फिलोसोफर थे, ट्रेवलर्स थे, जिन्होंने अपने पीछे अनलिमिटेड किस्म की हमारे लिए जो है बेनिफिट्स और बहुत सारी जो है वो सक्सेस जो है वो सक्सेसफुल स्टोरीज जो है वो छोड़ी हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दीज साइंटिस्ट, इब्ने बतूता, अल बेरूनी, इब्ने रुश्द, इब्ने सीना, इब्ने खल्दुन, अल ख्वारिज्मी एंड उमर अल खयाम. So first of all, we are going to study about Ibn Battuta. Who was he? He was probably the most famous of the early Muslim travelers on foot and on animal back. He covered about 120,000 kilometers. Ibn Battuta, वो एक मशहूर जो था वो मुस्लिम ट्रेवलर था, मुसलमान मुसाफिर था, और वो he was the scientist जिसने पैदल भी बहुत सफर किया और जिसने जानवर मतलब even on animal back कि और जानवरों में भी बहुत ज़्यादा मतलब ऊन उस टाइम यूज होते थे ट्रैवलिंग के लिए, हॉर्सेस यूज होते थे उस टाइम. ही कवर्ड अबाउट 120,000 किलोमीटर, उसने 120,000 किलोमीटर इवन के उस बेटे पेज नंबर 55 बेटे सीट ऑन द बोर्ड पेज नंबर 55. The equivalent of 3 times round the equator means के वो तीन दफा अगर हम आधा चक्कर लगाए ना इक्वेटर का, तो उसके तीन गुना जो था, तीन गुना मतलब उसने वो सफर किया, that is 120,000 kilometers. He travelled from Spain to China, and from Central Africa to Russian steppes. His accounts tell us much more about the Muslim world of the 14th century. और उसके और उससे हमें मालूम बहुत ज़्यादा मिलती हैं जो 14वीं सदी में जो थे मुसलमानों ने जो कामयाबियाँ की. ही स्टडीड लॉ, उसने कानून को पढ़ा, लाइक द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली जैसे कि उसकी बाकी जो फैमिली मेम्बर्स थे. बट व्हेन ही वाज 21 लेकिन जब वो 21 साल का हुआ, ही सेट ऑफ एन ऑफ ऑन अ पिलग्रिमेज टू मक्का, और वो मक्का के सफर पर रवाना हो गया ऑन हिज फर्स्ट जर्नी. और उसके पहले सफर पे ही वेंट बाय द रेड सी टू मक्का, किसके जरिए गया, रेड सी जो के जरिए वो मक्का गया, देन सीरिया, फिर शाम, इराक, खुरासान, साउथ सदरन पर्शिया, अजरबैजान एंड बैक टू बगदाद, और फिर वहां से वापस बगदाद. ही सेटल्ड इन अरेबिया फॉर 3 years. वो अरब में तीन
साल तक जो है वो वहां पे रुका, बट देन बिकेम रेस्टलेस अगेन, लेकिन दोबारा वो सभी चैन नहीं हुई क्योंकि वो तो मुसाफिर था, वो उसको अच्छा लगता था चीजें एक्सप्लोर करना, जगहों को एक्सप्लोर करना. तो देन ही अगेन स्टार्टेड और वंस मोर सेट ऑफ ऑन अ लॉन्ग जर्नी, एक लंबे सफर पे जो है वो रवाना हो गया. हिज ट्रेवल्स टुक हिम टू जद्दा, फिर उसका जो सफर था वो उसे ले गया जद्दा, देन यमन, एडन, तंजानिया कश्ती के जरिए. यहाँ पे आपको सामने आपकी बुक में जो है वो फिगर में भी शो किया गया है, बोट शो की गई है, दैट फ्रॉम दिस बोट ही यूज टू मूव फ्रॉम द बोट बाय द बोट साउथ अरेबिया, देन ओमान, होर्मुज, साउथ पर्शिया एंड बैक टू मक्का, और फिर दोबारा वापस मक्का. इतने लंबे सफर के बाद फिर वो मक्का आया. हिज नेक्स्ट जर्नी, उसका अगला सफर था फ्रॉम द ब्लैक सी टू द ब्लैक सी, ब्लैक सी की तरफ क्रीमिया, कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि आज का तुर्की है, कुस्तुनतीनिया पहले जमाने में कहा जाता था तुर्की को, लेकिन अब उसका न्यू नेम है तुर्की. रशियन स्टेट्स, कॉन्स्टेंटिनोपल अगेन, देन बुखारा, समरकंद, खुरासान, अफगानिस्तान और फिर हिंदू कश एंड अक्रॉस द इंडस, और फिर सिंध में, वादी सिंध में वहां से गुजरा. बाय नाउ ही वॉज फेमस, लेकिन और तब तक वो एक बहुत मशहूर एंड हैड मैनी फ्रेंड्स अमंग रूलर्स, और उसके बहुत ज़्यादा दोस्त बन गए जो हुक्मरानों में, प्रिंसेस में, सुल्तान थे और एम्परर्स थे, मीन्स टू शहजादे थे. बेटे म्यूट योर माइक्स. ही मूव्ड ऑन टू दिल्ली, फिर वो दिल्ली की तरफ वो सफर किया, वेयर ही मेट द टेम्परामेंटल किंग, जहाँ पे वो आरजी मतलब कुछ अरसे के लिए जैसे एक बादशाह था, वहां उस बादशाह से मिला मोहम्मद बिन तुगलुक. इब्ने बतूता लिव्ड इन इंडिया फॉर सेवरल इयर्स एज द काजी, और इब्ने बतूता काफी साल तक मतलब कुछ सालों तक जो था वो वहां पे एक एज अ काजी भी रहा और जज भी रहा एट तुगलुक्स कोर्ट, तुगलुक के दरबार में. ही बिकेम इन्वॉल्व्ड इन वॉर ऑन द मलाबार कोस्ट, और फिर वो उस जंग में भी शामिल हुआ एंड वॉज शिपरेक्ड एट कोरोमंडल, बट ही सेल्ड ऑन टू मालदीव, और फिर लेकिन वो चला गया उसके बाद मालदीव और देन टू बंगाल, असम, सुमात्रा एंड चाइना, बीजिंग. बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना. नाउ रिटर्निंग वाया सुमात्रा, और फिर वहां से वापसी किसके जरिए, सुमात्रा, बगदाद, सीरिया, शाम, मिस्र. ही मेड अ फाइनल पिलग्रिमेज टू मक्का एंड देन रिटर्न टू मोरक्को, और फिर वो फाइनल जो उसने वो मक्का का जो सफर किया और फिर एंड देन रिटर्न टू मोरक्को, और फिर दोबारा मराकेश आया अगेन वाया, और किस कौन सा रास्ता अपनाया, वाया मीन्स कि उस रास्ते से वाया इजिप्ट, मिस्र, टूनिशिया, अराइविंग होम इन 1349, और 1349 में वो जो है वापस अपने घर आए. बट सून ही वॉज ऑन हिज ट्रेवल्स वंस मोर, लेकिन दोबारा वो फिर अपने सफर पे निकल गया अक्रॉस द स्ट्रेट्स टू ग्रेनेडा. जगहों के नाम है बेटे, ग्रेनेडा द लास्ट मुस्लिम किंगडम इन स्पेन, और मुसलमानों की आखिरी सल्तनत स्पेन में. दो ही फाइनली वॉन्टेड टू सेटल, द सुल्तान ऑफ मोरक्को ऑर्डर्ड हिम टू गो टू द मुस्लिम स्टेट ऑफ माली इन वेस्ट अफ्रीका, क्रॉसिंग द टेरिबल सहारा डेजर्ट. और फिर उसके बाद अगरचे वो वहाँ सेटल होना चाहता था द सुल्तान, लेकिन वहाँ जो मराकेश का जो सुल्तान था उसने उसे हुक्म दिया कि आप जाओ और मुस्लिम स्टेट जो है वो मुसलमानों की जो रियासत है माली, वहाँ इन वेस्ट अफ्रीका, क्रॉसिंग द टेरिबल सहारा डेजर्ट. हेयर ही स्टेड फॉर 2 ईयर्स, और वहाँ वो कितने साल के लिए जी बेटे, सॉरी पेज नंबर 57 सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में एंड वाला पार्ट. बेटे अभी हम वहां पहुंचे नहीं है, वी आर ऑन पेज नंबर 56. हम पेज नंबर 50 इसका मीनिंग बेटे
नेक्स्ट वी आर गोइंग वी आर कंटिन्यूइंग विद इट. आप मुझे पूछ रहे हैं इब्न रुश्द वाले पैराग्राफ में लास्ट लाइन एंड लास्ट मीनिंग दैट इज बेटे जब हम वहां पहुंचेंगे देन आई विल क्लियर इट टू यू. आप दरमियान में इंट्रोपी करो ऐसे ठीक है. देन इज हिज अकाउंट ऑफ हिज ट्रेवल्स इज द मेन सोर्स ऑफ द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ मच ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द मिडल एजेस. देन इज अल-बिरूनी. अल-बिरूनी वॉज परहैप्स द मोस्ट फेमस अरब साइंटिस्ट ऑफ अर्ली टाइम्स. वो बहुत ही मशहूर जो था अरब साइंसदान था अपने वक्त का. ही वॉज बॉर्न इन उज़्बेकिस्तान एंड डाइड इन गज़नी. वो उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ और ही डाइड इन गज़नी. ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट स्कॉलर एंड साइंटिस्ट ऑफ द टाइम. एंड ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट स्कॉलर एंड साइंटिस्ट ऑफ द टाइम. ही स्पोक तुर्किश, संस्कृत, पर्शियन, हिब्रू एंड सिरिक ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के नेम है बेटे. एंड हिज मेनी बुक्स सेड टू बी 113 इंक्लूडेड दोज ऑन मेडिसिन, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री. अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ दीज आर बिलीव टू हैव बीन लॉस्ट. But enough remain to show what a brilliant man he was, especially when one realizes that he had very few reference books or sophisticated apparatus to work with. He based his work on careful observations and experiments. Al-Biruni jo tha wo mashhoor jo tha Arab scientist tha apne waqt ka. He was born in Uzbekistan and died in Ghazni. और डिफरेंट लैंग्वेजेस पे उसे कमांड थी और वो हमेशा लिखता था अरबी में. हिज मैनी बुक्स सेड टू बी 113 तकरीबन 113 किताबें थी इंक्लूडेड ऑन मेडिसिन जो कि मेडिसिन पे रिसर्च वर्क जो उसने अद्वियात पे देन ज्योग्राफी जमीन के बारे में स्टडी किया देन एस्ट्रोनॉमी सितारों के बारे में जो स्टडी किया उसने मैथमेटिक्स राजी पे एंड देन हिस्ट्री. Unfortunately, many of these are believed to have been lost by enough remain to show what a brilliant man he was. Especially when one realizes that he had very few reference books or sophisticated apparatus to work with. और he was बहुत ही जो था brilliant था especially खास तौर पर जब एक realize किया जा when one realizes that he had very few reference books or sophisticated or uske paas bahut acha apparatus tha. Then in 1017 he went to India to study the culture and his most famous book is India in which aur uske apni book ka naam jo hai wo India rakha. Then is ji bade जी बेटे. इन 1017 ही वेंट टू इंडिया टू स्टडी द कल्चर एंड हिज मोस्ट फेमस बुक इज इंडिया. उसने अपनी बुक का नाम इंडिया रखा इन विच ही डिस्क्राइब्स द कस्टम्स, लैंग्वेजेस, साइंस एंड ज्योग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और फिर उसमें उसने बहुत ये जिस और उस बुक में जो है उसने रवायात, जुबान, मतलब जो वहाँ की जो लैंग्वेज थी एंड देन साइंस एंड ज्योग्राफी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन 11th सेंचुरी बरसगीर की जिसमें मतलब वहाँ पे जो बोली जाने वाली जबानें थी उनके रवायात, उनकी सकाफत और उसके बारे में उसने उस बुक में लिखा. हिज अदर बुक्स आर क्रोनोलॉजी ऑफ एंशियंट नेशंस. और ये बुक्स के नेम हैं क्रोनोलॉजी ऑफ एंशियंट नेशंस, कैनन, अ बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलैब इन विच ही डील्स विद नेविगेशन एज वेल एज अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ऑल द नोन मेडिसिनल ड्रग्स. और जिसमें मेडिसिन से रिलेटेड जो था सब कुछ इंफॉर्मेशन उसने दी एंड डेंसिटीज विच डील्स विद मेटल्स, लिक्विड्स एंड ज्वेल्स. ही ऑल्सो रोट ऑन एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, मटीरियोलॉजी दैट इज मटीरियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वेदर. मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स मीन्स ये जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स. मिनरोलॉजी दैट मीन्स द स्टडी ऑफ मादनियात, जो हम मादनियात के बारे में स्टडी कर रहे हैं
रिलीजियन, मजहब, फिलोसफी, लिटरेचर जो उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर है जिसमें, एंड देन मैजिक, और इवन दो के उसने मैजिक के बारे में भी जो है वो बुक्स लिखी, एटलीस्ट 113 बुक्स जो थी वो उसने रोट की, ही रोट इट 113 बुक्स एज अ साइड लाइन, ही रोट फिजिक्स और साथ साथ उसने फिजिक्स पे भी बुक्स लिखी ऑन सच टॉपिक्स एज स्प्रिंग्स, स्प्रिंग्स पे जो यूज होते हैं हाइड्रोस्टेटिक, वाटर से रिलेटेड जो थी जो मैकेनिक्स हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, एंड ऑन ज्योग्राफी वेयर इन ही पुट फॉरवर्ड आइडियाज दैट वर सेंचुरीज बिफोर देयर टाइम, और फिर जो और वो आइडियाज उसने रखे जो कि सदियों पहले वहाँ मौजूद थे, ही सजेस्टेड, और उसने फिर ये बात ही उसने ये पेश किया दैट अर्थ रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस, कि अर्थ जमीन अपने मदार पे भी घूमती है, एंड दैट द इंडस वैली वाज वंस अ बेसिन ऑफ द सी, और ये भी बताया कि इंडस वैली जो वादी सिंध है वहाँ वो एक जो है समंदर जो है वो किसी जमाने में होता होता था, and then we are going to study about Ibn Rushd. His time period is time range is from 1126 to 98. Ibn Rushd Abdul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rushd was born in and more commonly known by his last name, aur unka aakhri naam se hi zyada tar jane jate the, that is Ibn Rushd. And was born in Cordoba. He was introduced to the court of Almohads and appointed as a Qazi in Seville. और फिर जो है he was introduced to the court, और वो एक court में जो है मतलब एक दरबार में जो है वहाँ पर उसको पेश किया गया एट द Almohads, और वहाँ पर वो उसको एज अ काजी जो है वो अपॉइंट किया गया. As education in those days was more comprehensive, as a result he was well versed in law and also served as a physician. और फिर उसके नतीजे में उसने जो है वहाँ पे he was well versed in law and और फिर उसके बाद उसको एक शिप जो है means के as a doctor भी जो है as a physician भी जो है उसने वहाँ पे खिदमत पेश की. बट इब्ने रुश्द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज टू फिलासफी. इब्ने रुश्द का ज़्यादातर जो काम था कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे हम उसको ऐसे लेंगे कि उसने जो ज़्यादातर काम किया वो फिलासफी से रिलेटेड था, एंड ही ट्रिटाइज ऑन द वर्क ऑफ द ग्रीक फिलासफर, और फिर जो है यूनानी फिलासफर एरिस्टोटल मेड हिम एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट, उसको एक मतलब एक खास जो है अथॉरिटी दी गई उस एक खास सबक सब्जेक्ट पे मींस मजमून पे, उसके खास मजमून पे जो है मींस दैट इज, और कौन सा उसका स्पेशल सब्जेक्ट था, दैट इज फिलोसफी. इब्ने रुश्द राइटिंग ऑन ग्रीक फिलोसफी वाज ट्रांसलेटेड, और फिर इब्ने रुश्द की जो भी उसने लिखा हुआ था जो उसका काम था उसको ग्रीक फिलोसफी में जो है वो जो है ऑन ट्रांसलेट किया गया, तर्जुमा भी किया गया, एंड यूज बाय यूरोपियन थिंकर्स, और वहाँ और उस वक्त के जो यूरोप यूरोपियन फिलोसफर्स थे जो अजीम वहाँ के उलमा थे साइंसदान थे ऑफ द रेनेसेंस. रेनेसेंस मीन्स, आपने मुझसे मीनिंग पूछा था बेटे, रेनेसेंस मीन्स द कल्चरल एंड स्टाइल दैट इज द पीरियड इन यूरोपियन सिविलाइजेशन. यूरोपियन तहजीब का वो दौर जिसमें दैट वॉज मार्क्ड बाय रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग्स विजडम, जिसमें जो है दानिश्वरी की बेसिस पे मीन्स आपकी, और दैट इज वॉज द क्लासिकल लर्निंग यूरोपियन थिंकर्स में लिखा हुआ है ना, एंड रेनेसेंस मीन्स कि उस वो वाला दौर यूरोपियन थिंकर्स, एंड दैट मीन्स पीरियड इन यूरोपियन सिविलाइजेशन दैट वॉज मार्क्ड बाय रिवाइवल मीन्स रिपीटिशन ऑफ क्लासिकल लर्निंग्स विजडम. नेक्स्ट इज इब्न सीना. हिज टाइम रेंज इज फ्रॉम 980 टू 1037. अबू अली हुसैन इब्न अब्दुल्ला इब्न सीना केम फ्रॉम बुखारा. ही वॉज अ फिलोसफर अ फिजिशियन, वो एक फिलोसफर थे, एक तिब थे, एंड एन इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी ऑफ हिज टाइम, और अपने वक्त के बहुत ही दानिश्वर शख्सियत थे, अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत अच्छे स्टूडेंट शागिर्द थे. इब्ने सीना मेमोराइज द कुरान एट एन अर्ली एज, बहुत कम उम्र में उन्होंने कुरान मजीद जो है वो याद कर हिफ्ज कर लिया. अब एंड देन वेंट ऑन टू द मास्टर लॉजिक मैथमेटिक्स फिलोसफी एंड मेडिसिन. इब्ने सीना मेन कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज टू मेडिसिन, और उनका ज़्यादातर जो काम किया था उन्होंने बहुत अद्वियात के शोबे में काम किया, तिब के शोबे में काम किया, एंड हिज वर्क
कैनन्स ऑफ मेडिसिन, कानून अल शिफा उनकी बुक का नाम है, बिकेम इन यूरोप द बेसिस ऑफ टीचिंग मेडिसिन टिल द 17th सेंचुरी, और 17वीं सदी तक उनकी ये जो किताब थी वो बुनियाद समझी जाती थी जिन्होंने डॉक्टरी सीखनी थी उनके लिए। इब्न सीना राइटिंग्स ऑन फिलोसफी ऑल्सो ब्रॉट हिम फेम, और उन्होंने जो फिलोसफी भी जो कुछ उन्होंने लिखा तो वो उनकी जो है वो मशहूर होने का बाइस बना। ही ट्रेवल्ड वाइडली इन पर्शिया एंड डाइड इन हमदान इन 1037। नेक्स्ट इज इब्न खल्दुन 1332 to 40। जी बेटे, हाँ जी, कौन सी लाइन बेटे? इब्न सीना की लास्ट टू लाइंस। इज इट, मैं रिपीट कर देती हूँ। इब्न सीनास राइटिंग ऑन फिलोसफी ऑल्सो ब्रॉट हिम फेम, कि उन्होंने जो लिखा था फिलोसफी के बारे में, जो उन्होंने जो बुक्स लिखी या उनकी जो कुछ लिखा हुआ था दैट वो उनके मशहूर होने का बाइस बनी। उनको बहुत ज़्यादा फेमस किया गया इस वजह से कि ट्रेवल्ड वाइडली इन पर्शिया, और वो उन्होंने पर्शिया में जो है सफ़र किया एंड डाइड इन हमदान, और वफात पाई हमदान में इन 1037। नेक्स्ट इज इब्न खल्दुन, हिज रेन इज फ्रॉम 1332 to 1406। एंड अब्दुल रहमान इब्न मोहम्मद इब्न खल्दुन टू लिव। बेटे अपने माइक्स म्यूट कर लें ताकि बाकियों को डिस्टॉर्शन ना हो। इब्न मोहम्मद इब्न खल्दुन हु लिव फ्रॉम 1332 to 1406 इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, जो जाने जाते थे कि तारीख के मतलब बाबा तारीख। और बॉर्न इन ट्यूनिशिया इब्न खल्दुन ड्रू अप टू क्वाइट अ टर्बुलेंट फैमिली, मतलब एक बहुत ही बैकवर्ड मींस फैमिली टू क्वाइट अ टर्बुलेंट लाइफ। इब्न खल्दुन ड्रू अप टू अ क्वाइट, एक बहुत टफ जो है उन्होंने जिंदगी गुजारी। ही सर्व्ड एट द रॉयल कोर्ट इन फेस एंड देन वेंट टू ग्रेनेडा and eventually back to North Africa. He also served as Grand Qazi, Chief Justice. उस वक्त जो है ये Chief Justice को कहा जाता था Grand Qazi in Cairo. Cairo is in Egypt. मिस्र का जो दारुल हुकूमत है that is Cairo. He was trapped in Damascus when the city was attacked by Timur. और वो वहाँ पे जो है उन फंस गए थे जब दमिश्क में, जब वो शहर जो था उसको जो है वो तिमूर ने हमला किया। हु अलाउड हिम टू रिटर्न टू कायरो एट अनयूजुअल इवेंट एज मैनी पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दिस बैटल, लेकिन उनको उसने जो है वो वापस जाने की इजाजत दे दी थी कि वो वापस चला जाए कायरो से, जो कि एक बहुत ही अनयूजुअल इवेंट था कि ऐसा वाक्य वैसे होता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्होंने उस जंग में मारे गए थे, लेकिन इनको इजाजत दे दी थी कि वो वापस चले जाए। इब्ने खल्दुन वॉज अ श्र्यूड ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन नेचर, वो एक बहुत ही गहरे जो थे वो ऑब्जर्वर थे इंसानी जो आदात थी इंसानी एंड द डिवेलपमेंट ऑफ पीपल एंड सिविलाइजेशन, और फिर तहजीब के जो है वो डिवेलपमेंट से रिलेटेड। ही कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, मीन्स कि उन्हें बाबा मुआशरती जो अलूम जो हमारे पास जो तरीके हैं उनके लिए भी उनको कहा जा सकता है कि वो ही वॉज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी फॉर हिज स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन ऑन ग्रुप्स ऑफ पीपल। द मुकदमा द इंट्रोडक्शन टू द किताब इब्र, उनकी जो बुक है मुकदमा रिटन बाय हिम इज एन इमॉर्टल मास्टरपीस ऑन हिस्ट्री, कि वो एक मीन्स कभी ना ख़त्म होने वाला, हमेशा जो है वो जिंदा रहने वाला एक मास्टर की शाहकार है तारीख पे, जो उन्होंने बुक लिखी थी। एंड द राइज एंड फॉल्स ऑफ सिविलाइजेशन, और तहजीब जो मीन्स के उन्होंने बताया कि किस तरह उतार चढ़ाव जो मुख्तलिफ तहजीबों के थे उन्होंने उस बुक में अल मुकदमा में लिखे। इब्न खल्दुन डाइड इन इजिप्ट, और वो उन्होंने मिस्र में वफात पाई। अल ख्वारिज़्मी, जिनका डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ प्रॉपर नहीं मीन्स के अभी तक हिस्ट्री में जो है वो नहीं लिखी गई, दैट इज डाइड इन 840। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़्मी वॉज फेमस मैथमेटिशियन, वो एक मशहूर रियाजीदान थे। हु वॉज बॉर्न इन ख्वारिज़्म इन पर्शिया, जगह का नाम है। ही एस्टैब्लिश्ड द इंडियन
न्यूमरल सिस्टम, उन्होंने न्यूमरल सिस्टम और यूज ऑफ जीरो, जीरो का इस्तेमाल मैथमेटिक्स में जो है उन्होंने वो बताया. ही इज फेम रेस्ट ऑन हिज वर्क अल मकाला फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला, ये उनकी बुक का नाम है. फ्रॉम विच द वर्ड अलजेब्रा इज ड्राइव, और फिर उनकी बुक उस इस नेम से जो मतलब जो उन्होंने जो काम किया था उससे वो एक वर्ड जो है उन्होंने ड्राइव किया अलजेब्रा, जो आजकल आप मैथ्स में जो हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा. एंड ऑन हिज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस विच आर नेम्ड आफ्टर हिम एल्गोरिथम्स, और फिर उसके बाद उनके जो मैथमेटिकल्स रियाजी में जो उन्होंने काम करना शुरू किया और उन कैलकुलेशंस को जो आजकल हम लॉगरिथम्स पढ़ रहे हैं, एल्गोरिथम्स पढ़े, एंटी लॉग लॉग्स वगैरह पढ़े, दैट इज अलजेब्रा इज इन्वेंशन ऑफ अल-ख्वारिज्मी. अल-ख्वारिज्मी ऑल्सो वर्क्ड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड ज्योग्राफी एंड मेड सुंडियल्स एंड एस्ट्रोलेब्स. ही डाइड इन 840 और 840 में वफात पाई. उमर अल खयाम, उमर खयाम एज ही इज पॉपुलरली नोन वॉज ऑफ पर्शियन ओरिजिन. हिज नेम खयाम एक्चुअली मीन्स टेंट मेकर. खयाम का मतलब है टेंट मेकर. ही बिकेम फेमस लेटर फॉर हिज रुबाइयात और क्वाट्रेन्स, मीन्स फोर लाइन स्टेंजास, जो अशआर जो चार लाइनों में मुश्तमिल होते हैं उनको हम कहते हैं रुबाइयात या क्वाट्राइन्स. अ वेरी वेल नोन रुबाई इज पोएट्री बिलो, और उनकी बहुत मशहूर जो एक पोएट्री है उसकी वो फोर लाइन्स यहाँ पे लिखी हुई हैं. द मूविंग फिंगर्स राइट्स एंड हैविंग रेड मूव्स ऑन नॉट ऑल द पिटी नॉर रेड शैल ल्यूर इट बैक टू कैंसल हाफ अ लाइन नॉर ऑल द टीयर्स वॉश आउट अ वर्ड ऑफ एट. और दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कोटेशन एंड वेरी ब्यूटिफुल वर्ड्स रिटन बाई हिम. खयाम्स इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी हाउएवर इज लेस नोन, लेकिन उसका जो काम था रियाजी में और जो फल्कियात में था एस्ट्रोनॉमी में था वो इतना नहीं जाना जाता. ही रिफॉर्म द पर्शियन सोलर कैलेंडर, और उन्होंने जो है सोलर कैलेंडर को जो है उन्होंने उसमें तब्दीली लेके आए और उसको दोबारा नाम दिया जलाली कैलेंडर आफ्टर द रूलर ऑफ दैट टाइम, उस वक्त के जो हुक्मरान थे उसके नाम से उन्होंने रखा. दिस कैलेंडर इज बिलीव टू बी मोर एक्यूरेट इन इट्स एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, और ये कैलेंडर समझा जाता था कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, ऑथेंटिक है देन द जॉर्जियन कैलेंडर विद द डिफरेंस ऑफ ओनली वन डे इन 3770 years, सिर्फ एक दिन का फर्क था. ठीक है, लर्निंग अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ दीज रिमार्केबल मैन, हम अगर इन सब शख्सियात के बारे में हम जानना शुरू करें, इनकी जो उनकी सक्सेस थी, उनके कामों उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में हम अगर जानना शुरू करें इन वेरियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज, then we see that they lived in a period of Muslim history when the Muslim nations were strong and successful. और फिर हम ये जान सकें कि वो उस दौर में रहे जिस दौर में मुसलमान जो थे वो अपने अरूज पे थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ की. आपने देखा कि सारे जो साइंटिस्ट थे ये सब मुस्लिम थे, मीन्स कि मेडिसन की में जो वर्क किया मुस्लिम्स ने किया, जो फिजिक्स में वर्क किया मुस्लिम्स ने किया, मैथमेटिक्स में वर्क किया वो मुस्लिम्स ने किया, इवन कि हर काम में उस टाइम मुस्लिम्स जो थे वो सबसे आगे थे. और अब आप देखें कि हमारी क्या सिचुएशन है कि अब हर काम हमारा जो वर्क था वो यूरोप ने एक्सट्रैक्ट किया कि यूरोपियंस ने वो सब काम जो है वो ले लिया, और हम लोग कहाँ रह गए, हम लोग बहुत पीछे रह गए उनसे. दिस मेड इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट्स एंड रूलर्स टू सपोर्ट एंड फाइनेंस साइंटिस्ट. और फिर इस बात पे ये मुमकिन हुआ कि गवर्नमेंट और जो हुक्मरान थे और जो हुकूमतें हैं वो साइंटिस्ट को सपोर्ट करें, फिलोसफर को, और जो जो वो हर उस शख्स को जिसके पास जो है वो मीन्स इल्म है एंड रिजल्टिंग इन अ डेवलप्ड सिविलाइजेशन और फिर एक बहुत तहसीब याफ्ता जो है वो एक रियासत और एक मुआशरा कायम हो सके. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. बेटे आप लोगों को समझ में आया? Yes. Is there any question? मैम आपका कुछ स्टार्ट करना था, पेपर्स क्या कौन है? बेटे आप लोगों को वो डेट शीट और सर्कुलर आपकी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. अभी फाइनल डेट जो है वो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन अगस्त में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे बेटे. ओके मैम. ठीक है. So this is all about today's lecture. Let's come to the homework, that is learn and write question answers of unit number 12.
What you have to do is to learn and write question answers of unit number 12. Handouts will be provided to you. So this is all about today's lecture. हमने मुस्लिम साइंटिस्ट, फिलोसफर्स और ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ा. That is इब्न बतूता, अल बेरूनी, इब्न रश्द, इब्न सीना, इब्न खल्दुन, अल ख्वारिज्मी, उमर अल खयाम. Means जो सब इन्वेंशन थी मुस्लिम्स की, that were all about the invention related to the जो कुछ भी मैथमेटिक्स, medicines, physics, bio से related था, वो सब कुछ that was the work and the contribution of the Muslim scientists. So this is all about today's lecture. Hope you understood. बेटे notes prepare करें और इस chapter को, इस lesson को बेटे आप लोग खुद भी read करें, ताकि thoroughly read करें, ताकि आपको समझ में आ सके. ठीक है? So okay ma'am. जी, thank you very much. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz ma'am. Allah Hafiz. बेटे mark your attendance in the chat box.